शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक सोमवार को प्राणी उद्यान के प्रशासनिक भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्राणी उद्यान के रखरखाव सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर होने वाले कार्य की अनुमति और बजट के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं प्राणी उद्यान के निदेशक राजा मोहन ने बताया कि जल्द ही शेष बचे हुए जानवरों को लाने की भी प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। मल सैलेश मल, हेलो, पता नहीं नाम जो सैलेश मल जी, आप जरा परिचय दे देंगे अपना? हाँ टीओ साहब, हेलो टीओ साहब, आप आ रहा है? अमन मैं जनार्दन पांडे मुख्य कोषा अधिकारी गोरखपुर। मैं ऑल ऑफ यू एंड पवन शर्मा किसी से पढ़ रहे हैं। शुरुआत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, आपको मालूम है लोकार्पण किया गया है। उसके पहले 8-3 को पहले बैठक एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुआ था, उसका कार्यवृत्त हमने 10-3 को भेजा है, सबको सर्कुलेट किया गया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं आया है। ये पहला एजेंडा ये था कार्यवृत्त का पुष्टि। सबको इस पत्र संख्या 783 द्वारा 9 लोग है, चेयरमैन साहब हमारा पीसी सेठ साहब है, मैं सदस्य सचिव हूँ। कार्य समिति का शक्तियों और उसका ड्यूटी और व्यवस्था है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्राणी उद्यान के निदेशक एच राजा मोहन ने बताया, आज गोरखपुर प्राणी उद्यान का कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक द्वितीय बैठक हो रहा है। इसमें हमारा प्रमुख संरक्षक अध्यक्ष महोदय है, इनके निर्देशानुसार हम लोगों का 9 लोगों का कमेटी है। इसमें पिछले बैठक प्रथम बैठक 8-3 को हुआ है, उसका अनुपालन आ गया और जो भी अभी होने वाला कार्यों का अनुमति बजट का पास इस तरफ का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हुआ है। जानवर का अभी आने के लिए अभी तैयारी हो रहा है, जैसे कानपुर से और कुछ चंदुआ और टाइगर आना है और आसाम से भी हमको गेंडा ले आना है, जो बारिश के बाद हो गया है उसका भी बात हो रहा है।